अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मौजूद हूँ जी कसूर में और आप सभी को काशिफ भाई का शौक दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह का भाई। अच्छा, अल्लाह का शुक्र। काशिफ भाई सबसे पहले अपना नंबर दे दें। 0300। ठीक है। 8020। ठीक है। 657। ये जी काशिफ भाई का नंबर है और आप सभी को काशिफ भाई का शौक दिखाने लगे हैं। और मैं बताता चलूँ जी, सबसे पहले जब मैं कसूर आया था, मेरा काशिफ भाई के पास जब चक्कर लगा था पहला चक्कर, तो काशिफ भाई के पास एक बहुत बड़ा नागरा बकरा था, चार दांत के अंदर 48 था काशिफ भाई वो माशाल्लाह से। और बकरी भी काशिफ भाई के पास बड़ी अच्छी थी। वो मेरा फर्स्ट टूर था जी काशिफ भाई के पास। और आज ही चक्कर लगा तो काशिफ भाई के आप सभी को चीने, अमृतसरी और बकरियां दिखाएंगे। अच्छा काशिफ भाई, सबसे पहले इस चीने बकरे के बारे में बताइएगा, माशाल्लाह से ये दांतों में क्या है? कौन भाई, दांतों में ये 6 दांत है। अच्छा, 6 दांत है, माशाल्लाह। और काशिफ भाई इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट इसकी 45 है। माशाल्लाह जी, 45 हाइट है, 6 दांत है। और कान देखें, ये जी अमृतसरी चीने हैं। एक होते हैं खाली चीने, एक होते हैं अमृतसरी, और जो अमृतसरी और चीनों के क्रॉस से बनते हैं वो होते हैं अमृतसरी चीने। अच्छा काशिफ भाई, माशाल्लाह से 45 है और दांतों से 6 दांत है, माशाल्लाह। काशिफ भाई ये तो देख के लग रहा है काफ़ी बड़ा बन जाएगा, जैसा इसका सीना है और जैसी इसकी टांगें हैं। ये पिछली टांगें देखें ना कितनी खड़ी हैं माशाल्लाह से, तो ये काशिफ भाई काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर जाएगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह जी। और काशिफ भाई वन में क्या चला रहे हैं आप? गंदम। ठीक है, चार खड़ा। ठीक है, साथ में कुछ सर्दी है, थोड़ा बाजरा वगैरह, मेथे वगैरह। ठीक, तो काशिफ भाई हरे में क्या दे रहे हैं आप? हरे में इनको हम बेहतर ना लांगी डालते हैं, किकर हो गया, बेरी हो गई, ठीक है, पिपल हो गया। तो काशिफ भाई उसके फायदे भी बताएं आप। फायदे उनसे जी जानवर बनता है, बनता है। और आपके पास वैसे भी जो जानवर आते हैं वो ग्रोथ बड़ी ज्यादा करते हैं काशिफ भाई, ऐसी काम इनको खुराक ही देते हैं। अच्छा, खुराक ही देते हैं, बेरी देते हैं इस मौसम में। और वंड में खाली गंदम देते हैं, यानी चार फाड़ा चना वगैरह इतना नहीं देते? नहीं नहीं, खाली गंदम, ज्यादा खाली गंदम, यानी आपको गंदम का ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है, माशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, कोई भाई शौक करना चाहे इस बकरे का या इसके बाद जो बकरे बकरियां आएंगे करवा देंगे जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, माशाल्लाह जी। चेक कर लें, अमृतसरी चीना दिखा रहे हैं आप सभी को काशिफ भाई का, बड़ा खूबसूरत है, झालर शालर लेंथ बड़ी अच्छी है। और मेन चीज़ है अभी 6 दांत में 45 है, तो ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा। इसकी जो पिछली टांगें हैं, जो फ्रंट लेग्स हैं, वो बता रही हैं। और ये वेट लाइन का भी बड़ा अच्छा काम आएगा भाई, ये ना बरकत की बात है, बिल्कुल। सुवा भी बड़ा अच्छा है, अच्छा सुवा भी अच्छा है, ये बकरा क्रॉस ब्रीड में, यानी ब्रीडिंग भी बड़ी अच्छी करेगा इसके, माशाल्लाह आप देख ही सकते हैं, माशाल्लाह जी। फेस देखें, कानशान देखें, अभी और भी बड़े हीरे छुपाए हुए हैं जी काशिफ भाई ने, आप सभी को वो भी दिखाते हैं जी। दोस्तों माशाल्लाह से आप सभी को काशिफ भाई का बड़ा अमृतसरी बीतल बकरा दिखा रहे हैं जी। और काशिफ भाई, जो मेरा आपके पास पहला चक्कर लगा था जो चार दांत में 48 था, आप बता रहे थे ये उसी का बच्चा आपके पास, माशाल्लाह। और आपके बकरे से कोई बकरी क्रॉस करवा के लेके गया था? ये हमारा दोस्त है। ठीक है, बकरी क्रॉस, ठीक है, उसमें से है। अच्छा उसमें से है, माशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई इसकी डिटेल्स भी बताइएगा, अभी दांतों से क्या है और इसकी हाइट कितनी है? ये चार दांत है, माशाल्लाह। तो ये 45 प्लस है, इसकी लेंथ बाप की तरह ही है, माशाल्लाह। अच्छा काशिफ भाई, अभी हाइट मजीद बड़ी, क्योंकि इसका जीन्स में भी हाइट है, तो जैसे इसकी गर्दनों पे वट है, तो ये पलाई के साथ साथ ब्रीडिंग के भी काम आ सकते हैं काशिफ भाई? इससे हमने एक दो बकरियां मेट करवाई हैं, ठीक है, तो उनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, अच्छा रिजल्ट आया। और काशिफ भाई इसकी माँ कैसी थी दूध में? इसकी माँ के नीचे दूध बड़ा अच्छा था। अच्छा अच्छा था, दूध बहुत अच्छा था। बाकी काशिफ भाई वेट लाइन वाला तो ये है ही है, इसकी टांगे जो है ना ये पूरा वजन उठाएंगी, और टांगे देखें बिल्कुल सीधी हैं जी। दोस्तों बाकी टांगे देख सकते हैं इसकी, अगली पिछली, और चार दांत के अंदर 45 प्लस है, तो माशाल्लाह से वेट लाइन के लिए भी बड़ा अच्छा मेल है ये। और अभी इसने जी ये वट नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बना जाने हैं। तो काशिफ भाई तेल शेल भी दे रहे हैं आप जानवरों को? तेल अभी हमने शुरू किया नहीं, ठीक है, सिर्फ गंदम ही दे रहे हैं। तो काशिफ भाई तेल कौन सा देते हैं आप सर्दियों में? सर्दियों में इसको तिलों का तेल साथ में थोड़ा सरसों का मिक्स करते हैं। अच्छा, तो सरसों का तेल ऐड करने की वजह क्या होती है? कि जानवर ज़्यादा गर्म ना हो जाए? ज़्यादा गर्म ना हो जाए, ये पहले ही बड़ा गर्म है। ठीक जी दोस्तों, माशाल्लाह से अब आप सभी को काशिफ भाई का एक और ब्रीडर दिखा रहे हैं अमृतसरी, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है जी। अच्छा काशिफ भाई इसके बारे में बताइएगा, माशाल्लाह से ऊंचा माथा है, दांतों से क्या है ये? भाई ये अभी फ्रेश दो दांत हुआ है, फ्रेश दो दांत हुआ है, माशाल्लाह। और काशिफ भाई इसकी हाइट कितनी है? हाइट इसकी 42 है। 42, हाँ। अच्छा काशिफ भाई ये तो माशाल्लाह एज अ ब्रीडर और एज अ वेट लाइन बग दोनों तरीकों से बड़ा अच्छा है, माशाल्लाह। इसका मां बाप बड़ा अच्छा है। अच्छा, इसका बाप कौन सा था काशिफ भाई? इसका बाप लाल डब्बा बकरा है, ठीक है, 47-48 है। अच्छा, ये मेरे दोस्त ने समझे मुझे गिफ्ट किया है। अच्छा, क्या बात है, और मुंह बड़ा है काशिफ भाई, मेन चीज़ ये है कि नस्ल अपना आप बताती है। इसका मुंह काफी बड़ा है और माथा माशाल्लाह ऊंचा है। आंख देखें जी, टांगे भी दिखाता हूँ आप सभी को, ये देखें जी माशाल्लाह मोटी टांगे हैं इसके। और मेन चीज़ ये है काशिफ भाई, आपकी सांप बड़ी अच्छी है, जो मैंने गौर किया ना, चीज़ें जो आपके पास आके निखरती हैं, हाइड नहीं रोकती,
उसकी बेसिक वजह आपके पास डाइट अच्छी है और लांगी शांगी खाते हैं जी। बाकी आप बॉडी स्ट्रक्चर देखें जी, देख ही पता लग रहा है बड़ा बकरा बनेगा, मुंह बहुत अच्छा और बड़ा बना जाएगा ये। ये देखें जी, सींग चौड़े हैं, कान आँख हर लिहाज से अच्छी। अच्छा काशी भाई, आप जो लांगी डालते हैं वो सारी मेहनत आपके भाई की होती है? मेरा कोई कमाल नहीं है, आसिफ भाई की मेहनत है। अच्छा जी, ये आसिफ भाई हैं जी, और सारी टेक केयर जानवरों की यही करते हैं काशी भाई? आपको पता है मेरा तो काम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है। बिल्कुल, तो मैं तो अपने काम पे आके जो थोड़ा बहुत टाइम होता है इनको देना होता है। ठीक है, बाकी छुट्टी वाले दिन के साथ टाइम लगे कर लेते हैं। तो आसिफ भाई कौन कौन सी लांगी डालते हैं इनको? लांगी डालते हैं हम, डेरी डालते हैं और सिंबल वगैरह डालते हैं, पिपल वगैरह लाते हैं। अच्छा, तो वो यानी खुश होके खाते हैं ये? खुश होके खाते हैं माशाल्लाह। इनकी खुराक ये है, खुराक ये है। और मुंह भी देखें जी कितना बड़ा है, ऊंचा मत है, आंख। और काशी भाई इससे बंदा ब्रीड भी ले सकता है वैसे? ये ब्रीड के हैं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और काशी भाई इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा है, ये देखें जी, एक दोंत का दांत बड़ा है, एक अभी छोटा है, अभी यानी हो रहा है माशाल्लाह। और झालर शालर देखें क्या बात है, ब्रीक हो जाना, अब टाइम आ गया इनको तेल देने का। ऐसे ही है, तो जैसे थोड़ी सी सर्दी आएगी इनको तेल देंगे जी। तो काशी भाई कोई भाई इसका भी शौक करना चाहिए करवा देंगे उसको? माशाल्लाह। और अभी फ्रेश धोंदा हो रहा है जी, और एग्जैक्ट 42 इसकी हाइट है, लेंथ भी बड़ी अच्छी है। और काशी भाई जैसी इसकी टांगे हैं तो ये भी हाइट अच्छी कर जाएगा। आप बकरे में देखते क्या हैं वैसे काशी भाई? बकरे की बेसिकली तो ना इसका खून अच्छा होना चाहिए। अच्छा, खून अच्छा होना चाहिए इसका। बाकी मुंह हो गया बड़ा मुंह, ठीक है, अच्छे हों, सींग हों, टांगे मोटी हों, टांगे मोटी हों, पूरा वजन और इनके बिल्कुल ना फटे सीधे हों। अच्छा, ताकि ये अपना ना वेट ब्रीडिंग के हक में भी अच्छे जाएं और वेट लाइन में भी अच्छे जाएं। जबरदस्त जी। जी दोस्तों, माशाल्लाह से अब आप सभी को काशी भाई की बकरी दिखा रहे हैं जी। और काशी भाई बता रहे थे कि ये पुरानी बकरी चलती आ रही है पुराने रवे से। अच्छा काशी भाई, इसके अंदर पुराना खून है, ओल्ड ब्लड अमृतसरी जो था ये, बिल्कुल ये पुराने खून की बकरी है माशाल्लाह जी। देख ही सकते हैं, समझदार बंदे हैं, उनको इसकी खुद ही समझ आ जाएगी माशाल्लाह। चेहरा देखें इसकी, आंख देखें बिल्कुल, और लंबाई शंबाई देख सकते हैं। काशी भाई इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट इसकी ऑन भाई मापी नहीं है, लेकिन 41.2 होगी। 41.2। और काशी भाई अभी ये गबन है जी? ये माशाल्लाह जबरदस्त। और किससे गबन है काशी भाई? ये हमारे काले वाले बकरे से गबन है। अच्छा, आपके काले वाले बकरे से। बाकी जी मुंह देख लें, आंख देखें, कान देखें। काशी भाई इसका सुआ कितना होगा? इसका ये तीसरा सुआ है। तीसरा सुआ है, तो ये पहले सुई हुई है, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और काशी भाई ये तो बकरी अच्छा रिजल्ट देने वाली काफी लग रही है ना जी। जी ऐसी बकरियां अब आपको पता है कि शादर नादर ही किसी के पास खड़ी हुई हैं, और जिसके पास होती है वो देता नहीं है अवल तौर पे काशी भाई। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो काशी भाई ये बकरी कितना दूध देती है? ये 2 kg एक टाइम का। 2 kg यानी 4 kg माशाल्लाह। और ये बड़ा अच्छा दूध है काशी भाई, बकरियों में तो 2.5-3 kg भी बड़ा अच्छा दूध शुमार होता है जो जेन्युइन है। बड़ी मुश्किल हो जाता है, लांगी अच्छी हो, आपका दाना अच्छा हो, गंदम वगैरह दी हो, तो फिर जाके कहीं बकरी इतना दूध करती है। क्या बात, बाकी नस्ल की बात होती है। बिल्कुल, जिससे के माँ बाप के पीछे हो ना जी जी, वो बेसिकली इतना दूध कर ही देती है माशाल्लाह जी। दोस्तों माशाल्लाह से आप सभी को काशी भाई की एक और बकरी दिखा रहे हैं जी। और कान देखें माशाल्लाह से इसका कितना चौड़ा है, लंबा है। अच्छा काशी भाई इसका कौन सा खून है? ये बेसिकली ना हमारे दोस्त ने हमें दी है। ठीक है, ये वाली ना, इसके माँ बाप बड़े अच्छे थे। अच्छा, तो समझे कि उसने मुझे तोहफा दिया है, काशी भाई इसको अपने घर में रखें। अच्छा, तो किसी को देनी नहीं है। ठीक है, तो चले, ये मुझे तो पता नहीं था ये मेट कब हुई है, लेकिन ये गबन निकल आई है। अच्छा, गबन निकल आई है, लेकिन हमारे घर से नहीं हुई, उधर से। और काशी भाई दांतों से क्या आई है? दांतों से, ये भी 2 दांत है, दांतों से 2 दांत है काशी भाई बताए। इसको क्रॉस करवाना ही नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद थी कि ये 4 दांत कम से कम 4 दांत होते इसको क्रॉस करवाते ना। ठीक, गबन निकल आई है, क्योंकि मुझे तो जब पता चला है, मैं तो कोशिश कर रहा था बकरे के लगाना दे इसे। तो काशी भाई अब जब ये डिलीवर करेगी तो कुछ अर्सा फिर ब्रेक लगवाएंगे इसकी? इसके कम से कम इसको ना दोबारा कोई 6-8 महीने ब्रेक होगी इसकी ना माशाल्लाह, ताकि ये अपनी ग्रोथ वगैरह कर ले। तो काशी भाई बाप माँ इसके कैसे थे? इसके माँ बाप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे थे। माँ बहुत अच्छी है, और जिस बकरे से ये मेट हो गया वो बकरा ही बहुत अच्छा है। ठीक, तो अभी कितने टाइम की गबन है काशी भाई? अभी तो ये हमें 3.5 माह की होगी है, क्योंकि जब इसने उतारना शुरू किया ना, हमें भी फिर ही पता चला है। बिल्कुल, भाई ने कहा ये उतारने लगी है बकरी ना। अच्छा, चड्डी बनानी शुरू कर दी थी। हम तो इसको बचाते रहे बकरों से। ये पीछे से फिर लगी आ गई होगी, से लगी है ये जी। दोस्तों माशाल्लाह से काशी भाई अब एक और बकरी दिखा रहे हैं। अच्छा काशी भाई, इस बकरी के बारे में बताइएगा, ये कितने सुए सू चुकी है? कौन भाई? ये 2 सुए सुई है, अभी इसका तीसरा है,
तो ये हमारे मेट है चीने बकरे से। अच्छा चीने, अमृतसरी चीने से, चीने बकरे। और काशी भाई वो क्रॉस ब्रीड में यानी अच्छे बच्चे देगा, पलाइयों वाले, मोटी टांगों वाले, खूबसूरत? उसके ना बच्चे एक जगह पे हैं अभी दोस्त के पास। वो कैसे आए हैं काशी भाई? तो मुझे तो ये है कि ये बकरी उससे पहले एक दफा मेट हुई थी, ठीक है, इसने एक मेट डिलीवर किया था। अच्छा, तो वो बच्चा उससे एक्सपायर हो गया। तो जो इसने मेल दिया था वो चीना हुआ था कि कलर वाइज अमृतसरी चीना? नागरा चीना ही था। अच्छा नागरा चीना, लेकिन बहुत अच्छा था, लेकिन वो चले जो चीज़ किस्मत में नहीं होती वो एक्सपायर हो गया था। और दोस्तों माशाल्लाह से काशी भाई के पास कसूर आके बड़ा मज़ा आया जी, बड़ा अच्छा इखलाक है काशी भाई का। आप सभी आ सकती हैं इनके पास, जानवरों का शौक़ कर सकते हैं, और जगह इनके पास बड़ी अच्छी है। इनके भाई की बड़ी मेहनत है जो लांगी शांगी डालते हैं और जानवर आपको एक्टिव और अच्छे नज़र आते हैं। अच्छा काशी भाई, एंड पे शौकीनों के लिए कोई पैगाम दें अच्छा सा? पैगाम यही है कि ये शौक जो है ना, ये तो हमारी एक सुन्नत रसूल है ना। बिल्कुल, तो हम भी इसको इसलिए प्रमोट करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को काशी भाई के शौक की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।